अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी 5 फीट की डिश है। तो आज मैंने इस पर पाक सेट के साथ आज़र स्पेस 46 ईस्ट के यू बैंड को सेट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने पाक सेट 38 ईस्ट सी बैंड को सेट कर लिया है। तो आप इसकी केबल देख सकते हैं, मेरे इस वाले सेट फंड में जा रही है। तो ये देखें, जियो चल रहा है आपके सामने क्लियर। तो चलें दोस्तों, अब मैं आपको इसके साथ आज़र स्पेस 46 ईस्ट को सेट करके दिखाऊंगा, वो भी साइड LNB से। इससे पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसकी केबल देख लें दोस्तों, ये मेरा दूसरा सेट फेंडर है। तो आपको दिखा दूँ, ये आज़र स्पेस 46 ईस्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं 1175, और सिंबल रेट है 27,500 पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल। तो चलें दोस्तों, आप इसे को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर हमें सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। तो आपको बीप की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो दोस्तों, आपको इस तरह से ये KU बैंड LNB लगानी होगी। तो मैं आपको केबल भी दिखा देता हूँ कि केबल इसी LNB की ही है। तो एक बार फिर देख लें दोस्तों, ये देखें, ये इसकी केबल। तो ये देख लें दोस्तों, तो चलें दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ पर नट बोल्ट लगा कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, सिग्नल से हो रहे हैं, आवाज़ आ रही है, बीप की सिग्नल भी आ रहे हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। ये देखें दोस्तों, पाक सेट 38 ईस्ट सी बैंड के साथ मैंने आज़र स्पेस 46 ईस्ट को सेट कर लिया है। तो आप इसके केबल भी देख सकते हैं, ये केबल मेरे इस वाले सेट फेंडर में जा रही है। तो आप इसके सिग्नल भी देख सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको इसकी केबल भी दिखा देता हूँ दोनों की। ये देखें दोस्तों, दोनों केबलें आप देख लें। तो ये देखें, ये पाक सेट 38 ईस्ट आपके सामने चल रही है, और ये आज़र स्पेस 46 ईस्ट आपके सामने, इसके सिग्नल भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलें दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।